नमस्कार दोस्तों, लेकर आया हूं आपके लिए मंडे के लिए एक स्टॉक और देखते हैं ये कैसा रिएक्ट करता है मंडे को। एक सवाल मुझसे सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो ये कि आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरी कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो शायद आप मुझसे ये सवाल नहीं करते, और अगर आज की वीडियो भी आप कंप्लीट देखेंगे तो शायद इसके बाद आप मुझसे ये सवाल कभी ना पूछे, क्योंकि जो भी मैं स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूं पिछले 3 वीडियोस में मैंने उसके पीछे रीजन बताया है स्टॉक को सिलेक्ट करने का। और दूसरी बात ये कि मेरे चैनल के ऊपर 120 वीडियो हैं, उन सब वीडियोस में तकरीबन मैं बता चुका हूं कि भैया मैं स्टॉक कैसे सिलेक्ट करता हूं। तो कहीं ना कहीं शायद मुझ में कोई कमी है जो मैं आपको समझा नहीं पाया। चलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और समझिएगा कि मैं क्यों स्टॉक सिलेक्ट करता हूं। तो मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखिए, जो मैं इंट्राडे में खुद 1 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट वगैरह देखता हूं वो मैं डे बेसिस के ऊपर देखता हूं, और आपको फिर यहाँ पे स्टॉक बताता हूं, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। आज का जो स्टॉक मैंने चुना है दैट इज उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। कौन सा स्टॉक है? उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। हमको इसको सिर्फ बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। ये मेरा मानना है, ये मेरी स्टडी कहती है। मंडे को मार्केट कहाँ ओपन होती है कहाँ नहीं, मुझे उसके साथ लेना देना नहीं है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग। अब एक चीज और यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉक है ये तकरीबन मार्केट के साथ वर्क करता है, तो थोड़ा सा आपको निफ्टी के ऊपर भी नजर रखनी है और इस स्टॉक के ऊपर भी रखनी है, बट इतना ये उसके साथ कोरिलेट नहीं करेगा। आप निश्चित रहिए, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये निफ्टी को भी फॉलो उस दिन नहीं करेगा, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है इसको सिलेक्ट करने का, तो वो चीज आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, ये आप लोग देखोगे कि मैंने 1 आवर के बेसिस पे स्टॉक को ओपन किया हुआ है। 1 आवर के बेसिस पे स्टॉक ने एक यहाँ पे आप देखोगे एक पैटर्न बनाया था, इसको हम कहते हैं चैनल पैटर्न। कौन सा? चैनल पैटर्न। ये स्टॉक यहां तक जाता था, ऊपर आता था, यहां जाता था, ऊपर जाता था, नीचे आता था, ऊपर जाता था। अब यहाँ पे इस चैनल को इसने तोड़ दिया है और इसके ऊपर जाके ये खड़ा हो गया है। कहाँ खड़ा हो गया? इसके हाँ यार, ऊपर मान गया जाके मैं। खड़ा हो गया है, क्लोजिंग जो है वो दे चुका है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, एक वो भी इसको आप समझिएगा। इसको हटा देते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है यहां से, क्योंकि यहीं से स्टॉक तकरीबन गिरना शुरू हुआ था, तो यहां से एक रेजिस्टेंस फेस हुआ था, उसके बाद एक यहां पे रेजिस्टेंस फेस हुआ था, उसके बाद एक यहां पे रेजिस्टेंस फेस हुआ था। बट अब स्टॉक जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दो रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है। पहला ये रेजिस्टेंस टूट चुका है, दूसरा ये रेजिस्टेंस टूट चुका है। कैसे टूट चुका है देखिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये स्टॉक 186 ये लेवल था, इसको ब्रेक कर चुका है। और जब भी स्टॉक अपने किसी पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो जो उसके पिछला वाला रेजिस्टेंस होता है वहां पे जाता है, जैसा कि यहाँ हुआ। देखिए, स्टॉक ने सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और स्टॉक यहां तक पहुंच गया, और यहीं पे आके स्टॉक ने एक ठहराव लिया है, रुका है स्टॉक। अब जब स्टॉक यहां से और ऊपर की तरफ रैली दिखाएगा तो वो टारगेट्स कहाँ बनते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बट आपको यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि एंट्री कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है, वो सारे लेवल्स मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपेक्टेड टारगेट जो है इसमें उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरी चीज ये भी आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बन सकता है। मैक्सिमम मैं जो इसके अंदर देख रहा हूं मुझे लगता है कि ये 250 तक या फिर 233 तक जाने की कोशिश कर सकता है, बट हम स्विंग ट्रेड में इतने इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, हम इंट्राडे के लिए हैं तो हम लोग इंट्राडे के बेसिस पे ही इसको समझेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगला टारगेट कहाँ बनेगा। देखिए, इसके बाद जो अगला जोन था वो ये वाला था। आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे इसका फर्स्ट टारगेट बनता है 202 रुपए, यानी कि इस 190 से आपको 202 203 तक टारगेट्स मिल सकते हैं। बट हम मंडे को जो ट्रेड करेंगे सबसे पहले हम 80% अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो 203 202 के करीब 201 के करीब निकल जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है वो यहाँ मिल सकता है, यानी कि नियर अराउंड आप कह सकते हो 219 या फिर 213
13 रुपए, तो आप मैक्सिमम 213 के लिए चलिए, उसके बाद जितना ये ऊपर भागता है हो सकता है 285 उस दिन लग जाए, जैसे वो भारत फोक का शेयर भागा था, तो ये चीज भी हो सकती है। तो चलिए ठीक है, तो रीजन आपको पता चल गया मैंने ये स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया, आपको मैंने बताया ब्रेकआउट हमें मिला हुआ है, एक रेंज में था वो रेंज भी टूट चुकी है, और ये जो ट्रेंड में था ये ट्रेंड भी ऊपर की तरफ अब ब्रेकआउट आया है। और एक इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन वो है जिनको नहीं पता, फिगो रिट्रेसमेंट होता है टूल जो कि मैं यूज करता हूं कभी कभी, तो इस स्टॉक की एक और खासियत है कि जब भी ये स्टॉक टूटता है तो वहां से 38% की रिट्रेसमेंट देता है। तो दोस्तों इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो अभी 250 या फिर 235 के करीब करीब बन रही है कि स्टॉक को, मैं आपको बताता हूँ कैसे वो कह रहा हूं मैं, देखिए वन डे के बेसिस पे अगर इसको मैं करता हूं तो दोस्तों इस स्टॉक को जो यहां से एक रिट्रेसमेंट देनी चाहिए अभी, वो यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए ये बता रहा हूं मैं, यहां से नियर अराउंड ये बनता है कि ये 230 233 तक आ जाए, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, और होप सो कि मंडे मंगलवार या फिर इसी हफ्ते ये आ सकता है। लेट्स सी, ये अभी दूर की बातें हैं, हम इंट्राडे पे वापस आते हैं। तो अगर अभी तक आपको कुछ समझ आया है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे पता है थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है, बट मेरी कोशिश है कि आपको एक एक पॉइंट जो है डीपली समझाने की कोशिश करूं ताकि आप कुछ जो है सीख सकें, ठीक है। तो चलिए अब उज्जीवन का जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं टारगेट या फिर ओपनिंग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नियर अराउंड इसको जो क्लोजिंग दी है इसने 200 190 के करीब, वहीं पे ओपनिंग देनी चाहिए। और अगर ये स्टॉक नियर अराउंड इस कैंडल का लो नहीं मारता है, यानी कि 190 रुपए 40 पैसे का लो नहीं मारता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, और ऊपर की तरफ अगर ये स्टॉक निकल जाता है 193 के ऊपर, कितने 193.50 के ऊपर निकल जाता है, तो आपको फर्स्ट टारगेट जो है वो मिलेगा कहाँ पे, सीधा सीधा 200 रुपए 201 के करीब। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, कहाँ ओपनिंग देगा और कौन सी कंडीशन, वो सारा समझेंगे। तो देखिए ये होगी पहली कंडीशन, ठीक है, आपको अगर ये स्टॉक नियर अराउंड 186 184 के करीब मिलता है तो काफी अच्छा रहेगा ये जोन, वहां से ये स्टॉक कुछ देर यहाँ पे सर्कुलेट करेगा, आप लोग वेट करोगे डे हाई, हो सकता है यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए थोड़ा 87 89 पे, तो जैसे ही ये 185 को टच करके ऊपर की तरफ निकलता है डे हाई को तोड़ता है, थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा रुकेगा, तो हम लोग इसको बाय कर लेंगे, जिसमें कि हमारा पहला टारगेट 189 या फिर 190 के करीब बनेगा, उसके बाद सेकंड टारगेट 193 का होगा, फिर 201, उसके बाद 207, और उसके बाद आप लोगों का 212, फिर 217 और 220। ये जो मैं टारगेट्स आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे लेवल्स मैं आपको हमारी समझ आएगा .in वेबसाइट पे भी दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ओपनिंग है ये मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे की तरफ, वो 80 से 180 तक हो सकती है, लेकिन इतनी नीचे मेरे को नहीं लगता। देखिए अगर ये 180 पे डायरेक्ट ओपन हो जाता है तो मैं तो कहता हूँ उस दिन स्टॉक को आप रहने दीजिए, बट अगर आपको बाय करना ही करना है तो आपको वेट करना है एक बार 186 के लेवल टूटने का नीचे से, जब ये 180 पे ओपनिंग देता है आपको वेट करना है ऊपर जाए 86 का लेवल तोड़े फिर नीचे आए, और जब सेकंड टाइम ये हाई तोड़े तब आप एंट्री ले सकते हो। आपको 190 201 206 212 213 और 217 के टारगेट्स यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन 286 है, सेकंड कंडीशन 286 85 ए 186 और ऊपर वाली 190 89 के बीच में, ठीक है। तो ये मिस वो हो रहा है मेरी टंग की वजह से, मैं 290 बोली जा रहा हूँ बीच में, ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब ऊपर की ओपनिंग अगर हो जाती है तो कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टॉक दोस्तों नियर अराउंड 198 197 के करीब ओपन देता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है इसके नीचे आने का, और जैसे ही ये सुबह का हाई तोड़ेगा आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है 201 रुपया टूटने का, याद रखिएगा इसमें थोड़ा चेंज है, आपको वेट करना है 201 रुपया टूटने का, जैसे ही 201 रुपया टूटेगा उसके बाद देखना है कि कैसा ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है उसके बाद अप जाता है तब आप एंट्री ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉस होगा 198 के करीब, और आपको फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा यहाँ पे कितने का, वो मिलेगा 205 से 207 212 217 220, उसके बाद फिर जो मैंने टारगेट्स आपको बताए हुए हैं 233 तक, ठीक है। तो ये है 201 इसका रेजिस्टेंस, तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है, वो तोड़ेगा तो काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है, बट हम वेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 201 पे ओपनिंग देता है हम वेट करेंगे 198 का,
ठीक है, 198 197 को टच करे, यहां से जब ये ऊपर आता है और दोबारा 202 को तोड़ देता है, फिर तो आप आराम से एंट्री ले लेना, स्टॉप लॉस डाल देना 198 का ही, ठीक है, थोड़ी देर कंसोलिडेट कर जाए, एक दो कैंडल भी क्लोजिंग दे जाए ना हाई हाई, तब भी आप एंट्री ले सकते हो, तो आपको 207 212 के करीब मिल जाएगा। तो ये है हमारा आज का उज्जीवन फाइनेंशियल शेयर जो मैंने सिलेक्ट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एक चीज और एंड में बता देता हूं कि बायर और सेलर जरूर देखने हैं, वॉल्यूम के साथ हमको बाय करना है। ये ना हो यहां पे बायर कम थे, सॉरी बायर ज्यादा थे, जब स्टॉक यहां पहुंचा तो बायर कम हो गए, कहीं ना कहीं ऊपर सेलिंग होगी। तो बायर सेलर आपको देख लेने हैं और इसी हिसाब से ट्रेड करना है। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की जो हमारी वीडियोस है टेक्निकल की, वो जरूर देखिए, आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।